कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे सबको अल्लाह ताला अपने हिफसमान में रखे आमेन सुमीन तो जिस खूबसूरत दुआ के साथ अपने बिलाग का आगाज करती हूँ मैं अगेन अलहमदिल्ला मेरे घर से इफ्तार दावत और मैंने सोचा कुछ नई रेसिपीज़ नए आइडियाज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्पैगेटीज़ बना रही हूँ सिंपल आप देख सकते हैं कढ़ाई में मैंने फ़ोर टू फाइव टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है वन टेबल स्पून चॉप्ड लहसन ऐड किया है और हल्का सा सॉट किया है देन मैंने उसमें चिकन चंक्स ऐड कर दिए तो यहाँ पर चिकन को इतनी देर कुक करूँगी कि इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए पिंक टोन से तो उसके साथ ही फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी कैरेट्स क्योंकि यू नो ये भी थोड़ी सी हार्ड होती हैं को कोने में टाइम लेती हैं तो चिकन के साथ ही मैं इसको ऐड कर दूँगी तो यहाँ पर सब्जियों को हम वन बाय वन ऐड करेंगे लेकिन ख्याल रखना है कि हमारी सब्ज़ियाँ ओवर कुक ना हों उनका जो करांच है ना वो बरकरार रहे तो यहाँ पर मैक्सिमम तीन से चार मिनट हम जो गाजरें हैं उनको भी ऐसे ही चिकन के साथ कुक कर लेंगे और चिकन तो साथ साथ कुक हो जाएगी आपको पता है उसको फ़ौरन से मतलब कुक होने में टाइम नहीं लगता गल जाती है तो यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टेस्ट नमक और काली मिर्च और स्पाइसेस तो बहरहाल इसमें सिंपल ही जाते हैं कोई एक्स्ट्रा ख़ास तौर पे हमारे जो देसी स्पाइसेस हैं वो तो बिल्कुल भी ऐड नहीं होते तो बस यहाँ पर मैंने दो मिनट के लिए ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम पे रख दिया था और दो मिनट बाद अगेन ढक्कन हटाऊंगी तो बाकी की जो सब्जियाँ हैं वो भी ऐड कर दूँगी जिसमें जुलियन कट मेरे पास शिमला मिर्च है और बंद गोभी है जी यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी सब्जियाँ जो हैं वो तकरीबन सिक्सटी परसेंट कोक है अब मैं इसमें सॉसेज ऐड कर रही हूँ जिसमें वन टेबल स्पून चिली सॉस वन टी स्पून वनेकर और वन टी स्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है चिकन पाउडर भी मैंने इसमें ऐड की थी और ये मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है कुछ मिक्स हर्ब्स पड़े हुए हैं वो भी ऐड करते हैं अच्छा टेस्ट आएगा तो ये ऑप्शनल है बहरहाल अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें मतलब ज़रूरत नहीं है डालने की हैं तो वेल एंड गुड और दूसरी तरफ स्पैगेट जो हैं वो ऑलरेडी रख दी थी और इनको बॉइल करने का इनको आपने फुल बॉयल नहीं करना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी इस पैकेट फाइनली बन गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर तो उसके बाद ढक्कन लगा कर रख दूंगी अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फ़ाइनली सहरी वगैरह करके नमाज़ कुरान से फ़ारिग हो के मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ इस व्लॉग के लिए तो सुबह सुबह यू नो आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है मुझे लगता है आवाज़ निकालना ही इतना मुश्किल है और जब निकलती है तो वो जो जैसे दिन भर की इतनी एक्टिव हमारी आवाज़ होती है वैसी नहीं होती आई आई थिंक सो यू कैन अंडरस्टैंड आई एम टू से तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बार बार अपने गले को साफ़ कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि जो फटा हुआ साउंड सिस्टम है ना ये बेहतर हो जाए अच्छा बातों ही बातों में पता ही नहीं चला नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट हो गई है ये जो है ना कढ़ाई इसकी बहुत डिमांड है तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में, में एक कप मैंने ऑयल ऐड किया है उसमें एक मीडियम साइज़ रफली कटी हुई प्याज ऐड किया है जैसे ही वो ब्राउन हुई है तो इसमें मैंने टू से थ्री टेबल स्पून चॉप्ड नहीं कुटा हुआ लहसन अदरक ऐड किया है तो जैसे ही उसकी खुशबू आई है चिकन ऐड किया है चिकन का कलर चेंज होने के बाद स्पाइसेस में ऐड कर रही हूँ जिसमें अकॉर्डिंग टेस्टी नमक कुटी लाल मिर्च लाल मिर्च पाउडर सूखा धनिया पाउडर ज़ीरा सौंफ और वन टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया था तिक्का मसाला पाउडर आ, ये टोटली ऑप्शनल है आप चाहें तो ऐड करें या स्किप कर दें लेकिन इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी भी ऐड करती थी आ, अच्छा कढ़ाई जब बनाते हैं साथ साथ हम टेस्ट करते हैं और अगर मज़ीद स्पाइसीज़ कुछ डालना चाहें या स्किप करते तो हमें खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि क्या एडिशन करनी है या नहीं करनी लेकिन क्योंकि रोज़ा है और रोज़े में मैं बैर टेस्ट की सारी चीज़ें बना रही थी बस एक अंदाज़ा मुझे हो रहा था कि हाँ क्योंकि ज़ाहिर है कुकिंग कर करके इतनी आदत तो हो जाती है तो ये है मेरा फेवरेट पार्ट जब भी मैं कढ़ाई बनाती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पता नहीं कितने टमाटर लिए हैं काउंट कर सकते हैं कोई छः से सात अदर टमाटर होंगे उसको डबल कट लगाया है लार्ज साइज थे और फिर उसके बाद मैंने एक लेयर दे दी है और ढक्कन लगा के ऊपर हम आम दस्तर रख दिया था और मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट कुक किया है उससे ये होगा कि स्टीम जो है ना अच्छे से अंदर रच बस जाती है जिससे ये होगा कि टमाटर सॉफ्ट होंगे और छिलका बड़े आराम से आप देख सकते हैं चिमटी की हेल्प से आप निकाल दें तो छिलका निकालना ज़रूरी होता है उससे ये होता है कि जब भी हम कढ़ाई खाएँ टमाटरों का छिलका जब मुँह में आता है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो अब ये जो पीछे हमारा गुदा बच गया है ना इससे हम अच्छे से चिकन में मिक्सिंग करेंगे और फिर इस पॉइंट पर बहुत अच्छे से आपने बुनाई करनी है चिकन के मीडियम फ्लेम पे अच्छा मैंने स्टार्ट में जो प्याज़ ऐड की थी वो ऐड करना ज़रूरी नहीं होता मतलब कढ़ाई में टमाटर लहसुन अदरक का होना मस्ट है तो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी के लिए ऐड कर दी थी, थी प्याज़ ताकि बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई ना रहे तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने चम्मच की मदद से गूदा जो है ना ऐसे इसको मिक्स कर लेना है चिकन के अंदर और फिर हम इसकी लिए आप देखें ये चिकन का अपना पानी है और टमाटरों का पानी है बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं करना उससे आपकी कढ़ाई ख़राब भी हो सकती है तो बस यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे ऑन एंड ऑफ़ हम चम्मच भी चलाते रहेंगे और चिकन की बनाई भी करते रहेंगे और देखते ही देखें आप देखें कि टमाटर जो है ना गायब हो गए अब सिर्फ जो है ना एक अच्छा सा मसाला और ग्रेवी दिख रही है और दूसरी तरफ चूल्हे पे आप देख सकते हैं मैंने चारकोल रख दी है ताकि वो अच्छे से सक जाए और कटी हुई अदरक में ऐड कर रही हूँ और हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया जो है वो मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिया था और मज़ीद बाद में जब मैंने इसको सर्विंग के लिए ऐड किया था तो कटी हुई अदरक और हरी मिर्ची भी ऐड की थी ये जो है ना कढ़ाई की जीनत है इसके बगैर कढ़ाई अधूरी है और बस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारकोल जो है उससे मैं स्मोक दूंगी इसको स्मोक आप पे डिपेंड करता है ज़्यादा देना चाहें या कम देना चाहें मैंने बिल्कुल माइल्ड से दिया था क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान है तो कोशिश होती है कि थोड़ा हल्का फुल्का बहुत ही कोई ऐसी चीज़ ओवर ना हो जाए ताकि हमारा दिन भर का रोज़ा उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो यहाँ पर दूसरे जो हमारी सॉरी तीसरी जो हमारी रेसिपी थी वो थी चिकन ब्रेड और अच्छा ये वही डो जैसे मैं बनाती हूँ पिछले व्लॉग में भी मैंने आपसे शेयर की थी एज इट इज़ डो बनाइए और फिलिंग जो है चिकन की की है आप चाहें तो किसी टाइप की भी फिलिंग कर सकते हैं व्हाइट सॉस में श्रेडेड चिकन ऐड करें या सिंपल तिक्का मसाला ऐड करके चिकन को कुक कर लें मतलब वराइटी है स्टफ़िंग जो है ना आप जिस तरह चाय करें चिकन को अपने अंदाज से कुक करके तो यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं कि लास्ट में बस हल्की सी एक कोटिंग दे रही हूँ फेंटे हुए अंडे की और उसके बाद मैं इसमें सफ़ेद और वाइट तिल ऐड कर दूँगी और फिर बेक कर लूँगी तो बेक्ड में मेरा बस सिर्फ यही आइटम था इस बार इफ्तारी में क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब भी आप दावत करें ना एक आध कोई बेकिंग आइटम ज़रूर होना चाहिए उससे आपकी दावत की एक तो लुक भी बहुत प्रेजेंटेबल लगती है और थोड़ा सा ये होता है कि ऑयल फ्रीज़र आप कम आयल, आयल वाली चीज़ भी जो है ना होनी चाहिए डिपेंड करता है वैराइटी होनी चाहिए किसी को कैसा फूड पसंद है किसी को कैसा तो चलो किसी को अगर एक दो चीज़ें नहीं पसंद तो तीसरी या चौथी तो पसंद होगी तो ऑप्शन ज़रूर रखने चाहिए तो यहाँ पर चिकन ब्रेड जो है फाइनली वो भी बन गई थी इसका साइज़ जो है ना बहुत हैंडी सा था मैंने बहुत बड़े साइज़ में नहीं बनाई क्योंकि और भी इतने सारे आइटम्स थे कि मुझे ये था कि ये ऐसा हो कि जो अगर एक पर्सन ले रहा है तो वो पूरी खा ले ताकि उसको छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े तो यहाँ पर लास्ट में मैं बस मेल्टेड बटर से जो है इसकी कोटिंग कर रही हूँ उससे ये होता है कि ये सॉफ़्ट होती हैं और शाइनिंग भी रहती है इनके ऊपर तो जी यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी टेबल अच्छा ये जो आइडिया है ना आप इसको अपने पल्लू से बांध लें यकीन जाने जब भी मैं अपने घर में दावत करती हूँ ना तो ये तो मेरी कोशिश होती है कि अगर रात की दावत है तो मैं मॉर्निंग में उठूँगी ज़ाहिर मॉर्निंग में ही काम करने होते हैं तो साथ साथ टेबल की सेटिंग में पहले कर देती हूँ कहाँ पर क्या चीज़ आनी है कहाँ पर कौन से बर्तन रखने हैं इस काम को मैं बिल्कुल एंड पर नहीं छोड़ती उससे ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा आइटम कहाँ रखना है और टेबल की लुक कैसी आएगी कहाँ पे हमने कैसे सेटिंग करनी है इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और आपकी लाइफ इजी हो जाती है अगर आप इस वाले स्टेप को जो है ना साथ साथ फॉलो करते हैं तो यूजुअली ऐसा होता है हम ढेर सारे आइटम्स तो बनाते हैं लेकिन टेबल की सेटिंग हम बाद में करते हैं और वो फिर सारी सेटिंग जो है ना हमें समझ नहीं आ रही होती खिचड़ी बन जाती है तो टेबल की सेटिंग और उसकी प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल पे कुछ मेरे पास स्टैंड्स थे और कुछ मैंने डी के थ्रू जुगाड़ वगैरह निकाल के अपने टेबल की सेटिंग की है जिससे एक अच्छी प्रेजेंटेबल लुक अलहमदिल्ला आ रही थी अच्छा यहाँ पर इस व्लॉग में मैंने आपसे चिकन कढ़ाई की रेसिपी और स्पैगेट जो हैं उनकी रेसिपी शेयर की है अगर आपने चाउमिन बनाने की रेसिपी भी देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है और यहाँ पर इसके अलावा बाकी के जो आइटम्स थे जिसमें दही बड़े थे फ्रूट चाट थी और चिकन ब्रेड थी साथ में रोल समोसे पकौड़े और थ्रेड चिकन इन सब की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं आप ज़रूर देखिए विज़िट कीजिए बहुत इंटरेस्टिंग हैं तो बस ये फाइनली लास्ट लास्ट वाला टाइम था बस इफ्तार का टाइम करीब था और उस टाइम होता है कि जो फ्राई आइटम्स हैं ना उनको साथ साथ फ्राई किया जाए ताकि बहुत ठंडे भी ना हो जाएं और सेटिंग भी टाइम पे हो जाए तो बस यहाँ पर जैसे जैसे जो जो चीज़ मेरी कुक हो रही थी फ्राई हो रही थी तो मैं आके टेबल पर लगा रही थी Uh, कोशिश करें जो फ्राई आइटम्स होते हैं ना कभी भी उनको चूल्हे का फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम रख के मत फ्राई करें हमेशा मीडियम फ्लेम पे या स्लो फ्लेम पे आप अपने फ्राई आइटम्स को फ्राई किया करें उससे ये होता है कि ये बहुत डार्क कलर्स में नहीं जाते लाइट कलर्स में ही रहते हैं और ज़्यादा खस्ता और क्रंची बनते हैं तो बस यहाँ पर साथ साथ में अपनी चीज़ें सेट कर रही थी ड्रिंक्स में मैंने ब्लैक पेपर में लीमू पानी बना दिया था रोहफसा था और डिफरेंट जूसेस भी थे ड्रिंक्स भी थी तो मतलब ये अच्छा अभी जो रमज़ान जा रहा है इसमें बहुत ज़्यादा पानी की तलब या शायद उस तरह के ठंडे पानी की तलब नहीं होती बस रूम टम्परेचर नॉर्मल आपकी ड्रिंक्स होनी चाहिए तो ये साथ साथ अब मेरे समोसे जो हैं वो भी फ्राई हो गए थे ये रोल समोसे वही हैं जिनकी रेसिपी मैंने आपसे आई थिंक सो so, रमज़ान प्रिप्रेशन में आपसे शेयर की थी मेरे वही अलहद भी चल रहे हैं तो बाकी ऑन एंड ऑफ कुछ डिफरेंट बनाती रहती हूँ और यहाँ पर कुछ खजूरें जो हैं वो मैंने सिंपल में रख दी थी और कुछ हैं ऐसे जिनके मैंने क्रीम और बटर से फिलिंग कर दी थी कुछ टॉप नट्स ऐड किए थे और पिस्ता जो है ना उससे मैंने गार्निशिंग कर ली थी और ये हमारे बस सारी आइटम्स जो है ऑलमोस्ट रेडी थे इसी के साथ ही एक छोटा टेबल मैंने लगा दिया था उसमें सारे क्रॉकरी थी लाइक ग्लासेस स्पूंस प्लेट्स एंड जूसेस प्लस फ्रेश फ्रूट वो भी मैंने वहीं पे रख दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पे मज़ीद स्पेस नहीं है और ये आप देख सकते हैं बीच में मुझे याद आया अभी देख के कुछ छोटे छोटे मैंने फ्लावर्स रख दिए हैं ग्रीन कलर में ये जरूर रखे इससे ये होता है ना कि एक लुक जो है ना मज़ीद अच्छी हो जाती है और बस यहाँ पर ये थी मेरे टेबल की ऑलमोस्ट फाइनल लुक जब भी आप घर में दावत करते हैं तो जो सबसे पहला काम होता है आप एक लिस्ट बनाते हैं कि आपने क्या क्या बनाना है इफ्तार में तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो जो मैंने लिखा था अपनी लिस्ट में वो सब कुछ बन गया था एक चीज़ रह गई थी मैंने फिनियाँ बनानी थी बट मुझे बिल्कुल भी मेरे दिमाग में लास्ट में स्किप हो गया कि यार वो मैंने बनानी है बस पता नहीं मैं बना क्यों नहीं सकी हालाँकि मेरे हस्बैंड फ्रेश लाए थे तो फिर मुझे टेंशन नहीं थी खैर ये था कि उसके नैम उलबल में फ्रूट चाट भी था डंपलिंग्स भी थी मीठा मतलब मीठे में हमारे दो तीन चीज़ें थी तो फ्रूट चाट के ऊपर मैंने आ, मैंगो फ्लेवर प्लस बनाना फ्लेवर्स की जेलीस डेकोरेट कर दी थी दही बड़े के ऊपर मैंने चटनीस जो थी उससे डेकोरेशन कर दी थी इफ्तार थोड़ी हैवी थी और डिनर जो है वो लाइट था उसमें जस्ट चिकन कढ़ाई थी नान थे और फ्रेश सैलड था तो बस ये था मेरा आज का दावत का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा अगर आप पॉज करें तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर इसी के साथ अब आपसे चाहूँगी इजाज़त अल्लाह